हिंदू वीरों के लिए कहते कट्टरता बड़ी एक दिखाई जाती है इस तरीके एवं तो जो फैलाया जा रहा है एक चीज़ फैलाई जाती उमें की है कुछ के नहीं जो इतना तो सानू भी कहते जी संत जरनैल सिंह दी 12 गुने मतलब कट्टर हो गए। संत जरनैल सिंह जी को बड़ी गल सी हिंदुओं के पुत तो उन्होंने शहीद होया वो खानदान चो हाँ जिहड़ियां धीआं भैणां नूं बन के टके टके वो टका चौंक अज भी है। अकाली दल ने पैर खिचले अकाली दल डर गया इस तरीके का प्रचार किया। सुन ये भी तो अकाली दल इन्हों क्यों नहीं अकाली दल मनते बादल सलिया ने जो किया कतरिया उन की कहा यार तू नाम इतो कहा आपे फाथड़िए तेन कौन छटाए। जो इन्होंने वीर को पावर आई ना इन्हों का मिसयूज किया जिन्हों के लिए खड़ना सी ਜਿਹੜੇ पंथ ਲਈ ਉਹ पंथ ਦੇ ਭਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ पंथ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गोलियां मारनिया शुरू कर ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ बंदा पंथ ਲਈ एक छोटी जी प्रधानगी नहीं ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਉਹ बंदा पंथ ਲਈ सिर ਕਿੱਥੋं कटवा दू। एक मेरा ਵੀਰਾਂ 100 ਹੱਥ रसा सिरे ਤੇ ਗੰਢ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ भी ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ। जिमनी चोणा नूं लैके माहौल भख्या होया इस वक्त बरनाला दे विच मौजूद आ जिथे कि गोविंद सिंह होरां ने अपने अज कागज़ भरते ने उत्थी पंथक हलकों के विच जिस तरीके दे नाल सरगर्मी हुई है कहा जा रहा है कि अपने जिहड़े पंथक उम्मीदवार ने उन्होंने सामने लियाता जाए जुटाया जाए किसी भी तरीके दे नाल। पर दूजे पासे पंथक पार्टी श्रोमणी अकाली दल जो कि वो चोणा नहीं लड़ रहे वो पैर पिछे कर गए हैं जां की गलबात हुई है इस उत्ते भी गलबात करांगे। साडे नाल भाई तरसेम सिंह जी मोरा वाली तो उन्हों का सारा जत्था मौजूद है तो इस तो समझने की कोशिश करांगे कि की संकेत ने आने वाले समय के जिस तरीके श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो सरदार गोविंद सिंह जी संधू जो चोणा लड़ रहे हैं समझने की कोशिश करें। भाई साहब जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह जी। पहला तो तुसी हुण संगत नूं निहाल करके आए हो तो जिस तरीके गोविंद सिंह संधू होना का नाम आ रहा है वारी वारी तुसी पहला उन्होंने किवें देखते हो एज ए कैंडीडेट पंथक जिमें मैं गल की कि पंथक हलकों के सरगर्म हो चुकिया ने वो आवाज़ निकलती है तुसी उन्होंने किवें देख रहे हो किस किवें लै रहे हो कि किवें ने संधू साहब? बहुत होनहार ने नौजवान ने। देखो एक समा हुंदा अज अज समा मंग करता भी नौजवानों नूं अगे लिआंदा जावे वो इस करके नहीं भी वो मान साहब जी दोहते ने जो परिवार नाल रिलेटिड ने वो योग ने। मैं भी उन्होंने स्टडी किया उन्हों दी इंटरव्यू सुनिया जो उन्होंने बारे जानिया वधिया परिवार दे विच्चों ने चंगे खानदान दे विच्चों ने शहीदां दे नाल उन्हों दा वो खरड़ा जुड़दा ते दूजी गल उन्होंने चंगा काम करके दिखाया भी आ। जो सरदार मान साहब जिते है ना वो पिछे जिहड़ी पिछे रह के बड़ी जिम्मेवारी ड्यूटी निभाई वो सरदार गोविंद सिंह ने निभाई आ इस करके योग ने। और देखो जो समा जो हालात ने जो जे बने हुए ने उस अनुसार अज देखो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ये उदों सारे ही अकाली दल तोड़ के 31 सी वो सारे तोड़ के एक बनाया सी ये तो वही है ना। तो अकाली दल आप सारी ये गल कहने भी अकाली दल तो बिना साड़ी एक खेतरी पार्टी अकाली दल ये तो बिना सर्वाइव नहीं कर सकते तो बिना असं है भी कुछ नहीं। जिन्नियां पार्टियां दिल्ली तो चलनगियां वो कदे भी साडे ना बने आ ना वो साडे होए आ उन्हें नुकसान ही किया आपां हुण भी पिछे भी देखिया। सो ये योग ने इसे करके आए हैं भी इन्हां दा सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बहुत सारिया पार्टियां ने जो लड़ाई लड़ रही ने जो चाहती ने कि जिमनी चोणा जितनिया ने किसी हालत भी मौजूदा सरकार तो भी आम आदमी पार्टी तो कैंडीडेट ने बीजेपी तो भी ने वो भी पूरे जोड़े मजबूती नाल लड़न की कोशिश कर रहे हैं। लोग की दे के वोट करन के भावें गोविंद सिंह संधू खड़े हुए हैं भावें केवल ढिल्लों खड़े हुए हैं भावें दूजे पासों धालीवाल खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी तो लोग की दे के वोट करन लोग अपने देखण के काम होण जां फिर लोग किस तरीके दे नाल चलन नहीं सारा कुछ देखण इन्हां विच तड़फे नहीं काम करके दिखाया। जिन्ना ग्राउंड लैवल ते करोड़ों रुपया MP फंड का लाया गोविंद सिंह दे राहीं लगा वो काम भी करके विखाया सरदार गोविंद सिंह ने। तो एक नौजवान है वो आग्या काम करन दी उहदे अंदर जुरत दलेरी भी आ अफसरां नाल गलबात करनी भी आउंदी आ। कई बंदे तां कोई ना कोई तुसीं जाणदे चंगी तरह गल नहीं कर सकते हर तरह योग आ गोविंद सिंह ही हो गया तो उन्होंने क्या तो जो दूजे की गल कर रहे हो तो पहला भी कई बार बन चुके हैं, कोई कितों कोई कितों कोई किसी पार्टी अज कि पता ही नहीं लगता कितने की है किदा तो लोगों के अंदर भी उन्होंने कोई वधिया हवा नहीं। मैं भी विचरा स्टडी करती हाँ गोविंद सिंह जी लिए चंगी एक हवा भी आ एक लोगों की असीस भी आ भी एतका ये नौजवान मौका दिता जाए और देना चाहिए मौका तनो मनो तनो और ये वैल सैटल परिवार विचों भी दूजा पंथक परिवार विचों भी पंथक जज्बा रखने वाला भी आ प्यार करने वाला भी आ ते काम करवाने भी उन्होंने आउंदे आ वो करवाएगा उसकी टीम ही बहुत वधिया जिहड़े मगर सारे नौजवान ने ना ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਜਿਆਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ 50 ਤੋਂ 60% ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੜਤਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 12 ਗੁਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੜੀਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜੀਅਲ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਭੋਲੇ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਤ ਆ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪ ਖਾਧਾ। साढ़ा किसी धर्म ना वैर नहीं वो सिख ही नहीं हो सकता वो सिख होने के काबिल नहीं जो किसी ना नफरत करे। हिंदू तो साढ़े आ कोई गैर नहीं साढ़े भरा आ उन्होंने सगों सिक्योर फील करना चाहिए भी एक सिख अपना सब कुछ कुर्बान करके सिर धरती बाजी ला के सगों बचाता। और दूजी गल ये वो खानदान चो हाँ जिहड़ियां धीआं भैणां नूं बन के टके टके वो टका चौंका अज भी हैगा आना टका वो अफगानिस्तान च जिथे धीआं साडियां बेचियां जानियां जां बेचियां गईयां वो जिहड़ियां छुड़वाइयां उन्हां विच इहदे बड्डे वडेरे सी। इहदे इक बहुत वड्डा माण फखर होना चाहिए। ठीक है होर भी वीर ने सारियां नूं समा दे दीए इन्नी क हाजरी ला लिओ बहुत धन्नवाद आप जी दा। अकाली दल ते भी गल करांगे सानूं 5-7 मिनट खोल जाए जिस तरीके दे नाल धार्मिक बंदा मैं उन्हां नाल तुहाडे तों भी लैण दी कोशिश करांगे जिस तरीके दे नाल सारीआं चीज़ां होईआं ने भाई साहब जी जिस तरीके नाल सारीआं चीज़ां होईआं कि अकाली दल ने पैर खिचले अकाली दल डर गया इस तरीके दा प्रचार कीता है। इह वी ते अकाली दल इहनूं क्यों नहीं अकाली दल मंनदे इह श्रोमणी अकाली दल अमृतसर आ इह वी अकाली दल आ जे ओह बादल दलियां ने जे कीता कतरिया उन की कहा यार तू नाम इतो कहा आपे फाथड़िए तेन कौन छड़ाए पता ही किनू नहीं पता की कुछ होया। जदों अफसोस नाल कहना पैंदा जदों सिख कोल पावर आवे ना अगर वो गुरु का आ गुरु के प्यार वाला वो झुकदा आ सिख नूं पावर दिती जा रही है नवाबी वो कहंदा नहीं जी भी मैं नहीं क्यों कहंदा तुसीं मैनूं घोड़ियां दी लद नहीं हटाउण देनी। वो आ नवाब कपूर सिंह वो आ लीडर और नवाब कपूर सिंह जी दे वेले जिन्ना पंथ वधिया फुलिया उदों ही 5 तरना दल बुढ़े दल चों बनाने पाए सी सारे तैयार वर तैयार अन्न खाण वाले हज़ारां दी गिणती लख दे लागे सिंह मर मिटण वाला बहुतियां दी जरूरत नहीं हुंदी। हाँ जदों इन्हां वीरां को पावर आई ना इन्हां उहदा मिसयूज़ कीता जिन्हां दे लई खड़ना सी जिहड़े पंथ लई ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਭਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾਂ 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਭਇਓ ਦਾਸ। ਇਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣ। अज भी मूँह च घा लैके जो कोई निमरता ना जाता बख्शिया जाता पंथ भी बख्शना और गुरु भी बख्शना पर उसकी विधि विधान मर्यादा इदा नहीं भाई जे नहीं बख्शना तो खंडे खड़का देंगे किहड़े खंडे की करांगे हैं। बंदा कई बारी ना उच्चे बोलना बोलिए करतारों डरिए वो ऐसा ना बोलिए तानू थुकिया अपने मूँह ते डिगदा बहुत बचा करना चाहिए। पंथ खड़िया बेशक उन्होंने थापे वो श्रोमणी कमेटी उन्होंने को ही आ वो थापे ही जथेदार साहब से पर पंथ उन्होंने खड़िया जो कोई वाधी हुई है खड़े आ सानू माण है पर फिर भी हथ बन के बेनती एकजुट होना चाहिए। एक किते ना किते तो छड़ देनी चाहिए ना भी जी जो बंदा पंथ लई एक छोटी जी प्रधानगी नहीं छड़ सकता वो बंदा पंथ लई सिर कित्थों कटवा दू ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ उस नूं मुहब्बत करन वाला, उहदा अराधी वो असी अकाली बाबा फूला सिंह साहब जी निहंग सिंघां नूं इकल्लिआं नूं अकाली किहा जांदा सी। पहिलां 100 साल ही होया अकाली दल अकाली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बणी नूं, उहदी हिफाजत लई बनाया सी ना। पर इह नहीं उह सारे माड़े नहीं हुंदे, उहदे लई भी किन्नियां सिर धड़दियां बाजियां लाइयां, किन्नियां ने हिक्कां च गोलियां खादियां, किन्ने झंडा ना वज के सड़े, जिन्हां कुर्बानियां दित्तियां, जिन्हां दे खानदान कुर्बान हो गए, वो अज भी हैगे ने। गुरु कृपा करेगा। ये भी गुरु की कला ही वरतदी आ। दीप सिद्धू भी कहंदा ने कला वरतदी आ। वो जिहड़ी कला वरतदी आ ना वो चंगा ही करेगी। लोकां नूं लगदा सी भी गलत हो गया, इदां हो गया, उदां, चंगा ही उचों निकलदा। जे कोई सिर चढ़ के बोल पैंदा ही ना वो लगदा ते है भी गलत हो गया, खराब हो, उचों सही भी महाराज ने करना। सतगुरु कृपा करनगे। अंत शाह मुहम्मद अंत नूं सोई होना जो करेगा खालसा पंथ में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। भाई तरसेम सिंह जी मोहरा वाली सीगे तां समूह जत्था सी गाणा दा नाल तां गलबात कीती है जिस तरीके दे नाल चोणां नूं लैके माहौल भाखिया होया। बरनाला दे विच मौजूद सीगे ते इन्हां ने खास तौर ते स्नेह दित्ते ने कि जे मजबूत होना, क्योंकि अगर जे जत्थेदार उन्हां दे थापे होए सीगे उन्हां दे नाल ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਖੜਿਆ, ਕੌਮ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੀ ਹਰੀਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ।